आज शिवराज कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अब कई विधायकों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ खरगापुर से युवा विधायक, पहली बार विधानसभा में बनकर आए हैं, 2018 के विधायक हैं, राहुल लोधी मेरे साथ मौजूद हैं। आज मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे, 9:45 बजे आज राजभवन पहुंचेंगे और मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। राहुल भाई, कितनी खुशी देखी जा रही है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और आपको जो है मंत्री बनाया जा रहा है। बहुत खुशी है, पूरे बुंदेलखंड में हमारे सारे समर्थक बहुत खुश हैं और पार्टी ने जिस भरोसे के साथ मेरे को मंत्री पद दिया है और उस भरोसे को पूरी ताकत के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा और 1.5 महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बिंद महाकौशल के बाद बुंदेलखंड में बीजेपी को 2018 में कई विधानसभाओं से नुकसान हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि वोट बैंक साधने का प्रयास करे, इसलिए 2 OBC चेहरे और 1 ब्राह्मण चेहरे को आगे लाई जा रही है। वो तो पार्टी की रणनीति है और चुनाव है और चुनाव में पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति पे काम करना है। और बुंदेलखंड में तो पहले पूर्व में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली थी और हम लोग तो प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा सीटें मिले, अपने पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और पूरे सागर संभाग में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, 1 महीने बाद आचार संहिता लग जानी है, ऐसे केवल वोट बैंक लुभाने का बीजेपी प्रयास करे, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना, विपक्ष के आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी ने कुछ सोच समझ कर इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा और सही समय पर डिसीजन लिया और हमारे सारे समर्थक और बुंदेलखंड में बहुत खुशी की लहर है और इससे पार्टी को और मतलब वोट में भी बहुत इजाफा होगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने से क्या लगता है, बेनिफिट होगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको जनता के भी कई काम कराने होंगे, जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। नहीं, जनता के तो काम हम लोगों ने, मेरी अपनी विधानसभा में तो पूरे काम जितने मैंने बोले थे सब हो चुके और प्रयास यही रहेगा कि पूरे बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। समय भले कम है लेकिन मेहनत और पूरी ताकत के साथ लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद राहुल भाई। तो ये राहुल सिंह लोधी थे, तो तमाम वोट बैंक साधने का प्रयास, पहले भी काम कराते थे और आज जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो बड़ी खुशी उनमें और उनके कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़ भोपाल।